दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी जबरदस्त जगहों की जो आप अपनी दिवाली वेकेशन को एकदम यादगार बना सकते हो। कहाँ जाना चाहिए, क्या दिखना चाहिए और कैसे आप अपने बजट के अंदर रहते हुए एंजॉय कर सकते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि टिप्स होंगे कमाल की। तो मैं दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश व्लॉग चैनल, चले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन से उदयपुर, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। दोस्तों दिवाली के वक्त यहाँ का चार्म डबल हो जाता है। जग मंदिर और सिटी पैलेस को देखो, रात के टाइम ये सारी जगह लाइट से चमक जाती है। साथ ही फतेह सागर लेक का बोट राइड भी मिस मत करना और ये सब कुछ आपको इतना बजट में मिल जाएगा कि आपका मन खुश हो जाएगा। दोस्तों राजवाड़ा वाइब्स प्लस दिवाली एकदम रॉयल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों बात करते हैं बजट टिप के बारे में। दोस्तों यहाँ आपको मिड रेंज होटल्स 2000 रुपए से लेकर के 3000 के रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सर्च करोगे तो बैकपैकर हॉस्टल सिर्फ 1000 में भी अवेलेबल है। और खाना दोस्तों स्ट्रीट फूड ट्राई करना, पोहा जलेबी और दाल बाटी चूरमा का मजा यहाँ पर आप ले सकते हो। दोस्तों अगला स्टॉप है अमृतसर। दिवाली के टाइम ये सिटी एक अलग ही रंग में रंग जाती है। गोल्डन टेम्पल को जो लाइट से सजाया जाता है तो वो देखने लायक होता है। दोस्तों साथ ही वाघा बॉर्डर के परेड देखकर पेट्रोलियम का फुल डोज यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। दोस्तों यहाँ के मार्केट दिवाली शॉपिंग के ये एकदम परफेक्ट है। और सबसे बेस्ट पार्ट दोस्तों यहाँ का वर्ल्ड फेमस लंगर फ्री खाना मिलता है दोस्तों, और वो भी इतना टेस्टी की दिल गार्डन हो जाएगा आपका। दोस्तों बात करते हैं बजट टिप की। बजट ट्रैवलर्स के लिए ये सिटी एकदम परफेक्ट है। आपको गेस्ट हाउसेस और धर्मशाला सिर्फ 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक मिल जाती है। और खाना तो जैसे मैंने कहा, गोल्डन टेम्पल के लंगर में बिल्कुल फ्री खा सकते हो और अफोर्डेबल खाना भी यहाँ पर स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की। वाराणसी, गंगा आरती जो दिवाली के टाइम होती है उसका एक अपना ही चार्म है। सारी घाट्स को लाइट से सजाया जाता है और आप बोट्स पर बैठकर पूरी आरती देख सकते हो। दोस्तों यहाँ के लोकल मार्केट से ट्रेडिशनल दिया और रंगोली आइटम जरूर ले लो। और हाँ, बनारसी साड़ीज तो सबसे बेस्ट सुवियर्स है, यहाँ पे आप परचेस कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं बजट टिप की। दोस्तों यहाँ पर गेस्ट हाउसेस और आश्रम्स बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। आपको 500 रुपीस से लेकर के 1000 में रूम्स मिल जाएंगे और खाना भी एकदम देसी स्टाइल का होता है। चाट लस्सी और कचौरी सब ट्राई करना मत भूलना। दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा अलग मूड में। दोस्तों अगर आपको बीचेस और पार्टी पसंद है तो दिवाली पे गोवा जाना एक मस्त आइडिया है। दोस्तों यहाँ के बीचेस और फायरवर्क्स देखने का मजा कुछ और ही होता है। आप नॉर्थ गोवा के हैपनिंग बीचेस को एक्सप्लोर करो या साउथ गोवा के पीसफुल बीचेस का सुकून लो, चॉइस आपकी है। दोस्तों यहाँ दिवाली के टाइम लोकल मार्केट्स और शैक्स को भी पूरा फेस्टिव टच दिया जाता है। बजट टिप की बात करते हैं दोस्तों, गोवा में बजट स्टे के लिए हॉस्टल्स और गेस्ट हाउसेस सिर्फ 1000 रुपीस से लेकर के 2000 पर नाइट में इजीली मिल जाता है। और लोकल शैक्स में सी फूड का मजा लेना मत भूलना। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये इतने पैकेट फ्रेंडली होते हैं कि दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों दिवाली वेकेशन पे जयपुर जाना कैसे भूल सकते हो। पिंक सिटी दिवाली के वक्त एकदम लाइट से चमक उठ जाता है। हवा महल, अंबर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट को रात में लाइट अप होता देखना एक रॉयल एक्सपीरियंस बन जाता है। और यहाँ के दिवाली बाजार तो देखने लायक होते हैं। ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स और राजस्थानी आउटफिट्स सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं बजट टिप की। यहाँ के हेरिटेज होटल्स थोड़ा महंगे हैं, लेकिन गेस्ट हाउसेस और हॉस्टल्स सिर्फ 4000 रुपए से लेकर के 2000 में अवेलेबल है। लोकल स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना, जैसे कचौरीस और घीवर। दोस्तों अगर आपको थोड़ा एडवेंचर और स्पिरिचुअल वाइब एक साथ चाहिए तो ऋषिकेश इज परफेक्ट। दिवाली के वक्त यहाँ का आशीर्वाद लो और साथ में राफ्टिंग का मजा भी लो। परमार्थ निकेतन की आरती को मिस मत करना, इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लाइक नो अदर। और दिवाली के दिन वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव और पीसफुल होता है, तो यहाँ भी आप अच्छा एक्सपीरियंस करोगे। दोस्तों बात करते हैं बजट टिप की। ऋषिकेश में आपको अफोर्डेबल स्टेज आश्रम्स और कैंप्स 800 रुपीस से लेकर के 1000 तक मिल जाएंगे। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी अफोर्डेबल है, तो छोले भटूरे और आलू पूरी का मजा यहाँ पर आप ले सकते हो। तो ये थी बेस्ट जगह जहाँ आप अपनी दिवाली वेकेशन को एकदम स्पेशल बना सकते हो। तो अब डिसाइड करो कौन सी जगह पे जाना है और अपनी ट्रिप का प्लान अभी से बनाना शुरू कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
हैप्पी ट्रैवल, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों एडिशनल टिप्स आपको मैं देना चाहूंगा, जैसे कि ट्रैवल स्मार्ट, दिवाली के टाइम फ्लाइट्स और ट्रेन्स जल्दी बुक हो जाती है तो लास्ट मोमेंट्स बुकिंग से बचने के लिए टिकट्स पहले से ही ले लो। पॉइंट नंबर टू दोस्तों, लोकल एक्सपीरियंस, हर जगह का लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को जरूर एक्सप्लोर करो, यही चीजें आपकी ट्रिप को और मेमोरेबल बनाती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ट्रैवल टिप्स एंड गाइड्स, स्टे सेफ, ट्रैवल सेफ एंड हैप्पी दिवाली।